और मैंने आगे चलते चलते ये किताब आखिर में भोजपुरी फिल्मों का इतिहास तैयार हुई किताब और छप कर अभी आप लोगों के सामने आप लोगों के हाथों में प्रस्तुत है। राजन जी, इसके सोर्सेस इकट्ठा करने में आपको कितना वक्त लगा और पुस्तक को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगा, लिखने में कितना वक्त लगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी आएगा, क्योंकि मैटर ऐसे बहुत ज़्यादा है और इसके लिए पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टडी किए हुए किसी बात को अगर करना है, बताना है आपको किसी के बारे में, तो उसका प्लस माइनस सब सारी चीज़ों का गुणगान करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखने से पहले मैंने सर्च करना शुरू किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है। तब मालूम होता है कि उस चीज़ की पर्सनैलिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने जब शुरू किया काम, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 50 साल का एंट्री लिख रहा हूँ मैं, तो 50 साल के लिए कम से कम आपको कई महीनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्टडी करके, अच्छी तरह से मीमांसा करके, फिर उसके बारे में प्लस माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने किया और इसके लिए खुशी की बात यह है कि मेरे पास टेलीविज़न था, मेरे पास सब जो सुविधाएं होती हैं आजकल के पत्रिकाओं के जरिए माध्यम सब मुझको मिलते रहे और मैं उनको देखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा कंटिन्यूसली, रेगुलरली मैं इसको पढ़ता रहा, देखता रहा और जो जो भी इसमें परिचय, जो जो भी इसमें परिवर्तन आता गया, वो सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया। अब जैसे इसमें मैं देखिए, मैंने ये लिखा है कि ये 1962 में ये फिल्म बनी गंगा मैया तो मेरी चढ़ी, पहली भोजपुरी फिल्म, लेकिन जन्म से पहले 31 साल पहले 1931 में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म आलम आरा, उसमें इसका एक गीत लिया गया था कि, और वो गाना इतना हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि लोगों की जबान जबान को वो गाना था, हर लोग इसको गाते थे। और गाने में तो क्या है कि गाना के जरिए आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं, तो ये जो गाना लिखा गया उसके कि दर्शन के लिए मैं, उसका मतलब ये है कि मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तेरा दर्शन नहीं मिल रहा है, तेरे शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भगवान करे तू मेरे सामने जल्दी से आ जा। तो ये भोजपुरी में गाना था, भोजपुरी तो मुझे भी आती है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, बोलता ही हूँ। तो कहते हैं ना कि देखर में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये भोजपुरी फिल्म ऐसी ही है तो बोली, लेकिन इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पहुँचती है, छूती है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाते हैं, जो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसके अंदर बहुत वजन है और ये वजन किसी दूसरी बोली में नज़र नहीं आता, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बच्चिका हो, चाहे वो अमेरिका हो, किसी में भी ये गुण दिखाई नहीं पड़ता है जो इसमें है। और इसीलिए दूसरे दूसरे लोगों ने भोजपुरी में आकर के फिल्में बनाना शुरू किया था, क्योंकि आप देखिए ना, इसके अंदर गुण है, तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने, उनकी भाषा भी भोजपुरी है, तो उन्होंने देखा कि उनकी भाषा में अभी तक तो कोई फिल्म बनी नहीं है, जबकि गुजराती में बन गई है, मराठी में बन गई है, मलयालम में बन गई है, तो हिंदी में भोजपुरी में क्यों नहीं बनी है? तो उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद साहब आदि से बताया, बात की, कहा कि भाई आपने एक बार तो इतना पैसा है, आप तो कारखाने के मालिक हैं, खदान के मालिक हैं, कहा कि पिक्चर नहीं बना सकते हैं? उनको एक प्रेरणा मिली विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊंगा पिक्चर, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूती है, जो किसी बोली के दूसरी बोली के बस की बात नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि भोजपुरी बोली का, हम इसको कहें कि भाषा ही है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत विस्तार हो गया अभी, ये
बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश की बोली है और तीनों प्रांतों में ये बहुत अच्छी तरह से बोली जाती है और इसलिए इसका एक अपना रुतबा है, अपना एक स्थान है। उसका रूप क्या होगा या 10 साल पहले तक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रूप अधूरा रहेगा। मान लीजिए 2005 तक आपने अगर इतिहास लिखा है तो उसको आप 2010 तक, 2012 तक आगे बढ़ेंगे, 5 साल 7 साल आगे बढ़ेंगे तब जाके उसका रूप जो 2005 का है वो सामने आएगा, नजर आएगा। इसलिए जो भी इतिहास लिखा जाता है उसमें 10 साल का गैप हम लोग रखते हैं कि ताकि वो 10 साल के अंदर उसका जो रूप परिवर्तित होता है, उसका जो रूप धारण होता है, उसका जो स्थायी रूप आता है वो लोगों तक पहुँचता है। हम आज की बात अगर लिखते हैं तो इतिहास नहीं होगा, ये घटना हो सकती है, इतिहास नहीं हो सकता है। 5 साल के बाद हम यही घटना इतिहास बन जाएगी। तो इसीलिए जब इतिहास लिखते हैं तो 10 साल का हम लोग मार्जिन रखते हैं कि जब भी हम लिखते हैं 10 साल, अगर मान लीजिए ये 2023 है तो कम से कम 7 साल पीछे तक का हम लिख सकते हैं, 2015 तक का हम लिख सकते हैं, उसके बाद का हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी परिवर्तन आ सकता है। मुद्दे की बात नहीं, ऑनलाइन के लिए सामने तो कुछ चाहिए ना आपको देखने के लिए, कौन लाएगा यार, लिखेगा तभी तो आएगा ना सामने। तो ऐसी चीज क्या है, रूट क्या है, लिखना, लेकर लेखाकार अगर है तो कलम से लिखता है वो, और उस कलम को तकनीक के जरिए वो चेंज करता है, चाहे ऑनलाइन पे जाए या फिजिकल पे जाए, चीज तो वो है। आप तक वो चीज पहुंच कैसे रही है उस टेक्निक की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जरूरत है उसकी। काफ़ी तारीफ भोजपुरी भाषा भी की थी, आर्टिस्टों की भी की थी, सबकी की थी, और इसमें मैं हीरोइन का रोल कर रही थी। इसमें गाने का मुखड़ा मुझे याद है, वो थोड़ा सा गलत हो तो पता नहीं। घूंघट है एक शाम सलोना, नैना है दो तारे, ज्यादा ना तड़पाओ गोरी, हम है रूप के प्यासे, के घूंघट खोलो ना, के घूंघट खोलो ना। ऐसे ही नृत्य नाटिकाएँ होती थी, उसमें मैंने काम किया था भोजपुरी पिक्चर में। अभी तक मुझे कोई प्रोड्यूसर ने बुलाया नहीं, नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू द डिफरेंट टाइप ऑफ रोल। संजय भाई पिक्चर बनाएंगे ने क्या कहा और मेरे बाजू में भी एक प्रोड्यूसर बैठा है, वो भी बनाएंगे और बुलाएंगे तो ये एज में भी मैं तो टिल माई डेथ में स्टेज की रंग देवता की पूजा करना चाहती हूँ। बुलाएंगे तो काम करने जाएंगे, नॉट डिफिकल्ट, कोई भी लैंग्वेज में काम करो मुश्किल नहीं होता है। सर आप सभी से सलाह लेंगे सर, हाँ जी, आप क्या कहेंगे अपने बुक के बारे में? सर कहना चाहूँगा कि आप सभी बात वही कर रहे थे कि डिजिटल का ज़माना है और उसमें ये बुक लिखी गई है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत इनका अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की डिजिटल के ज़माने में। और जो बुक पढ़ने वाले हैं वो बुक ही पढ़ते हैं, कितना भी मोबाइल लेके आओ, मोबाइल पे 50 बार उंगली घुमाओ, ये घुमाओ, बहुत मगजमारी। तो मैं, मेरे हाथ में अगर बुक आएगी तो मैं पहले बुक पढ़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका कि ऐसे डिजिटल के ज़माने में इन्होंने बुक लिखी है और ये उम्र के पड़ाव में, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इनका। मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूँ भोजपुरी के बारे में, लेखक का सबसे बड़ा होता है जो भोजपुरी लेखन पे ही रहती है ना, स्टोरी अच्छी है तो कचरा भी चल सकता है। लेखक इज द बैकबोन ऑफ द स्टोरी, लेखक हो चाहे वो गीतकार हो, ये सब बैकबोन ही होते हैं और वो जो है चित्रित करते हैं, बताते हैं कि हम किस रूप में हैं और कहाँ जा रहे हैं। अब आपको बताया मैंने कि जब भोजपुरी का सपना चढ़ा और लोगों ने भोजपुरी में फिल्में बनानी शुरू, भोजपुरी शब्द को लेकर, भोजपुरी टॉपिक को लेकर हिंदी में फिल्में बननी शुरू हुई थी। उस वक्त एक फिल्म बनी थी खिड़की, खिड़की में एक गाना रखा गया था, भोजपुरी में गाना था, वो हिंदी फिल्म थी, भोजपुरी में रखा गया था और वो था गांधी जी के ऊपर, ए हो चुन ए हो दुल्हनिया तू जाओ बजरिया लाओ चुनरिया से खादी की, क्या खादी की, हाँ खादी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। ये चीज़ है, तो जो ज़रूरत है उसी के, उसी का चित्रण होता है
और वही पब्लिक तक पहुँचाई जाती है, पब्लिक उसको पसंद करती है, गलत चीज़ पब्लिक कभी पसंद नहीं करती है। देखिए मैं बेसिकली फाइनेंस में हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, लेकिन भोजपुरी पिक्चरों का अभी रीजनल फिल्मों का टाइम अच्छा है, और अगर पिक्चरें बनेगी और अच्छी पिक्चरें बनी विद सब्जेक्ट अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली भोजपुरी पिक्चरें भी चलेगी। और जो प्राइजिंग हो गई है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जो अभी हिंदी का देखकर भोजपुरी लोग भी एक्टर भी उतना ही मांग रहे हो, पैसे का जो ये हो गया, जब तक कि पिक्चर देखने वाले नहीं जाएंगे तो कितना भी पैसा लगाओ तो कोई फायदा नहीं। पिक्चर देखने वाले जाना चाहिए थिएटर में, और ये सब पिक्चरें थिएटर की है, ये इस पर जब आना ही है कि इस पर डिजिटल पे आनी है वो बात की है, पहले थिएटर में आके जाना चाहिए और थिएटर में लोग नहीं जा रहे। ये हिंदी नहीं सिखाया है सबको, भोजपुरी गीत ज्यादा चलते। मनोज तिवारी गायक होते हुए भी गुरु बन गए, आप ये बताइए मनोज तिवारी गायक होते हुए भी हीरो बन गए, कैसे बन गए? कहीं तो कुछ हुआ है तालमेल, तो कहीं कुछ हुआ है ना, पहले के लोगों में ये तालमेल नहीं था, वो सीधे लोग थे। अब सब प्रोड्यूसर बन गए, जो एक्टर प्रोड्यूसर बने उनको पैसे लगाए, पैसे नहीं लगाए। आप देखिए ना फिल्मों का बजट।